हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेडी, चेक कर लिया। हाँ सब ओके, सब वहां से दूर हटो। रेडी, अंदर कहाँ जा रहा है? अरे हाथ क्या दिखा रहा है? शेखर क्या हुआ? कोई अंदर जा रहा है? अरे मरवाएगा क्या? जल्दी रोक उसको। सर आप ब्लास्टिंग रोक दो। मैं उसे अंदर जाके रोकता हूँ। ठीक है मैं रोक रहा हूँ। रोक उसे। क्या हुआ? एक आदमी बिल्डिंग के अंदर चला गया है। आदमी? आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। पागल हो गए क्या? दिमाग खराब है? रुकने को बोला रुक नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ क्या? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या? ए रुक, अंदर कहाँ जा रहा है? ए रुक, क्या हुआ? कोई अंदर जा रहा है साहब। ए क्या है? हाँ क्या हुआ? अजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सटिया गए हो क्या? तुमको पता था ना बिल्डिंग गिरने वाली है, है? तो फिर कर क्या रहे हो यहाँ पे तुम? मीटिंग में टाइम और डेट सुना नहीं था क्या? नीचे बोर्ड पर लिखा पढ़ा नहीं था क्या? शांत, पढ़ा था, देखा था, सुना था। पता है मुझे, आपके साथ इसी बिल्डिंग में रहता था ना मैं, पता है मुझे। ए भाई तुझे पता है ना, तुझे खुदकुशी करने के लिए आया हो क्या? खुदकुशी करना जुर्म है वो। मैं तो जान बचाने के लिए आया था। जान बचाने के लिए आए थे? किसकी जान बचाने के लिए आए थे? मेरी सुंदरी। सुंदरी? हाँ मेरी बिल्ली। आप तो जानते हैं ना मेरी सुंदरी को, हाँ? वो कहीं गुम हो गई है। वो गुम हो जाती है तो यही मिलती है, इसीलिए यही आया। हम रहते थे ना यहाँ पहले। सुंदरी सुंदरी, और ये बिल्डिंग कल ब्लास्ट करने वाले थे ना? अजय आज ही ब्लास्ट होने वाला था, वो भी ठीक 10 बजे। क्या कर रहे हो यार तुम? अच्छा ठीक है कल, लेकिन देखो पहले हम मेरी सुंदरी को ढूंढते हैं, फिर आपको जो ब्लास्ट वास करना है ना वो कर लो। ए भाई तुम एक बिल्ली के लिए यहाँ पे आए हो? अगर ये टाइम पे नहीं रोकता ना तो तेरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते। बिल्ली की पड़ी है इनको। एक बिल्ली क्या होती है? बिल्ली की जान जान नहीं है क्या? बिल्ली 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 की पड़ी है मतलब? बिल्ली सुंदरी मेरा बच्चा है। सुंदरी पापा आ गए। पापा। फोरमैन जी ये हो गया पागल, इसको अपनी बिल्ली को ढूंढ लेने दो, उसके बाद आप बिल्डिंग को उड़ा देना। हाँ। सुंदरी सुंदरी बच्चा कहाँ है बेटा? तू पापा है।
सुंदरी, सुंदरी, किसी भारी चीज से सर के पीछे वार किया है। ये बॉडी बॉडी पूरी अकड़ चुकी है। 10-12 घंटे पहले मौत हुई है इसकी। ये बॉडी देखी किसने? यहाँ आई कैसे लाश? सर कुछ नहीं पता, ये लाश तो इत्तेफाक से मिली है। वैसे 10 बजे हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले थे। 10 बजे पर अब तक उड़ाई क्यों नहीं? फिर सर इस बीच ये भाई साहब अंदर घुसा है। क्यों? नहीं, मैं अपनी सुंदरी मतलब प्यारी सी बिल्ली को ढूंढने आया था, तो यहाँ आके देखा तो महेंद्र जी की लाश। महेंद्र जी मतलब आप लोग जानते हैं इसे? सर हम लोग कई सालों से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। 1.5-2 साल पहले हमने ये बिल्डिंग खाली कर दी थी रीडेवलपमेंट के लिए। अभी काम शुरू होना था और ये सब। बिल्डर कौन है? सर महेश भाई बिल्डर है। ये महेंद्र, महेंद्र कौन? जी ये CMC ऑफिसर है, हम इसे 1-2 बार पहले मिल चुके हैं। अच्छा, आखिरी बार कब मिले थे महेंद्र से? कोई एक हफ्ता पहले से। और ये ब्लास्ट के बारे में किस किस को पता था? बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली थी, हमें क्या, आसपास के इलाके में भी सबको पता था। हाँ हमने सबको नोटिस भेज दी थी ताकि कोई खतरा ना हो। जी इस बॉडी को देखकर जितना आप लोग हैरान है उतना ही हम लोग हैं। आपको अजीब नहीं लगता? एक CMC ऑफिसर जिसे आप एक हफ्ते पहले मिले थे उसी की लाश आप ही की इस बिल्डिंग में पाई जाती है, जिस बिल्डिंग को सुबह 10 बजे आप लोग उड़ाने वाले थे। कुछ ज्यादा नहीं लगता ये इत्तेफाक? सर एक मिनट। सर ऐसा लग रहा है कि खूनी ने इन्हीं औजारों में से किसी एक औजार को यूज किया। सर उसको मालूम था बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए औजार छुपाना जरूरी नहीं समझा होगा। सर बॉडी इस गैप में रखी थी, यहां पर ब्लास्ट के चार्जेस के बिल्कुल पास। मतलब सर अगर ब्लास्ट होता तो बॉडी का तो नामो निशान ही नहीं मिलता। हाँ सर, और इसीलिए खूनी ने खून करके लाश को यहां पे छुपा दिया ब्लास्ट होने से ठीक पहले। ये देखो ये सारे के सारे औजार फोरेंसिक लैब में भेज दो, उनके बताएगा किस औजार से इसकी मौत हुई है। और अभिजीत CMC ऑफिस जाओ और इस महेंद्र के बारे में अच्छी तरह से पता करो। Excuse me? लंच टाइम हो गया, अभी 2 बजे के बाद आओ। हम लोग CID से हैं, महेंद्र के बारे में कुछ बात करनी है। क्या CID? महेंद्र सर ने कोई घपला किया है क्या? वो तो सर आज ऑफिस भी नहीं आए, कल से ही छुट्टी पर है वो। एक्चुअली हमें महेंद्र जी की लाश मिली है, किसी ने खून कर दिया उनका। खून? किसने किया? सर मुझे पता है ये किसने किया है, वो प्यून। पिछले हफ्ते उसे नौकरी से निकाला था महेंद्र जी ने। हो ना हो महेंद्र जी का कत्ल उसी प्यून ने किया। क्यों, उनकी नई असिस्टेंट भी तो हो सकती है, सबको पता है वो कितना चिढ़ती थी उनसे। नहीं ये काम उनकी मिसेस का है। लगता है ये महेंद्र जी को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग यहाँ पे गप्पे मारने आते हो? चलो। ये कैसे हो सकता है सर? आप सर आप जिंदा हैं? ये तो कह रहे थे कि आपका मर्डर हुआ है। मर्डर मेरा? क्या मजाक कर रही हो तुम? एक मिनट आप कौन? हम लोग CID से। CID से? सर मैं महेंद्र हूँ। महेंद्र? ये
महेंद्र नाम के दो दो लोग है क्या? सर ये क्या बकवास है सर, मेरा मर्डर कैसे हो सकता है? एक मिनट महेंद्र जी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर आप सीएमसी ऑफिसर महेंद्र हैं तो फिर ये कौन है, इसे पहचानते हैं? अरे ये तो अशोक है। ये अशोक है? अशोक अशोक हाँ सर, ये अशोक ये सामने के ओडीपी रेस्टोरेंट में काम करता है, वेटर है वहाँ पे। वेटर जी? तो बिल्डिंग के लोग इसे सीएमसी ऑफिसर महेंद्र क्यों समझ रहे थे? ये आदमी यहाँ पे काम करता था? हाँ सर, यहीं पे काम करता था। पिछले हफ्ते तो इसको नौकरी से निकाला मैंने। क्या हुआ इसको? इसका खून हो गया है। खून? पर यहाँ तो पिछले हफ्ते से वो आया नहीं सर। आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला? सर उसने सबके सामने मुझे उल्टा सीधा बोला सर, तो निकालना पड़ा। ऐसा क्या किया था उसने? सर पता नहीं सर, पर पिछले कुछ दिनों से बिना बोले गायब हो जाता था बाइक लेकर, वो भी मेन धंधे के टाइम पे सर। और जब मैंने उसे पूछा तो मुझ पर भड़क गया, बोला नौकरी नहीं करनी, अपनी नौकरी अपने पास ही रखो। तो वो बाइक लेके ऐसे चला जाता था और आपको पता भी नहीं कहाँ जाता था? नहीं सर, मैंने उसे पूछा पर उसने मुझे कभी बताया नहीं। ये रोज रोज निकल जाता था क्या? सर हर रोज जाता था, वो भी एक ही टाइम पे, 1 बजे गायब हो जाता था और फिर 2 बजे वापस आ जाता था। ये वो ओडीपी रेस्टोरेंट है जहाँ पे अशोक काम करता था सर। हर बार 1 बजे निकलता था, 2 बजे वापस आ जाता था। यानी कि आना जाना और जिस काम के लिए वो गया वो काम करके 1 घंटे में वापस। सर जिन जिन दिनों में ये अशोक रेस्टोरेंट से गायब हुआ था उन दिनों के ट्रैफिक रिपोर्ट्स हमने मंगवाई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों में 1 से 2 बजे के बीच में जो ट्रैफिक का हाल था इस एरिया में, उस हिसाब से यहाँ तक ही जा सकते हैं। मुझे तो ये पूरा एरिया 7-8 किलोमीटर का दायरा लगता है। वाह सर, मगर उसका मोबाइल सारा टाइम बंद था तो उसकी लोकेशन नहीं मिल पाई। सर हाँ सर, लोकेशन तो नहीं मिली पर फोन रिकॉर्ड से एक बात पता चली सर। ये रेस्टोरेंट से निकलने से ठीक पहले या निकलने के तुरंत बाद अशोक ने इस लैंडलाइन नंबर पे कई बार कॉल किए, 1250 और 15। सर ये नंबर बांद्रा में एक स्टेशनरी शॉप का, और रेस्टोरेंट से स्टेशनरी शॉप में जाके आने में कुछ 45 मिनट लगते हैं। CID, ये जरा फोटो देखना, किस आदमी को पहचानते हो? नहीं सर, नहीं पहचानता। अरे ध्यान से देखो यार, ये पिछले हफ्ते 3-4 बार आया तुम्हारी दुकान पे। अब सर यहाँ पर बहुत लोग आते रहते हैं, किसी को पेन चाहिए होता है तो किसी को प्रिंट आउट, अब सबके चेहरे में कैसे जान सकता हूँ? वैसे 3-4 बार फोन भी किया है उसने यहाँ पे, और यहाँ से भी किया है उसको। सर यहाँ से बहुत लोग फोन करते रहते हैं और मैं भी करता हूँ, लेकिन काम के लिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ याद आ जाए तो हमें बता देना, ये मेरा कार्ड है। जी सर। ओके ओके। अरे यार ये अशोक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो फोन उठाएगा भी नहीं। क्योंकि अशोक मर चुका है। अशोक? कौन अशोक? वही जिसको तुम फोन लगा रहे थे। नहीं मैं तो नाटक नहीं समझा, वरना तू भी मारा जाएगा। क्या चक्कर है सब, क्यों आता था अशोक यहाँ पे? सर मैं सब बता दूंगा। चल बता। तुम्हारा छोटा सा धंधा है, नकली पासपोर्ट बनाते हो, नकली आईडी बनाते हो, क्यों? सर अशोक मेरा पुराना दोस्त था, उसको एक नकली आईडी कार्ड और कुछ फर्जी कागज बनवाने थे। महेंद्र की आईडी, ये लेटर है सर, ये सब? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, अशोक ने मुझे बोला और मैंने बस बना दिया सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सीएमसी के पेपर है, स्टैम्प भी लगी है। कमाल है सर, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं भी नहीं बता सकता कि ये पेपर्स नकली हैं।
और इसके अनुसार ये दो बिल्डिंग सी ब्रीज और देवदर्शन ये फॉल्ट लाइन पे बनी। देवदर्शन ये तो वही बिल्डिंग है ना जहाँ पे अशोक की लाश मिली थी। ये फॉल्ट लाइन क्या होता है? फॉल्ट लाइन जैसे समझ लीजिए कि जमीन के नीचे फ्रैक्चर है, जमीन के नीचे काफी गहराई में कुछ प्लेट्स रहती है। अब किसी वजह से वो प्लेट्स अपनी जगह से खिसक जाती है, जहां वो प्लेट्स खिसकती हैं वहां पे दरार बन जाती है और जहां ये दरारें होती हैं वहां पे भूकंप आने का खतरा ज्यादा होता है, तो ऐसे एरियाज को हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। ऐसी जगह पे बिल्डिंग को बनाना बड़ा खतरनाक होता है। एग्जैक्टली, ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। फॉल्ट लाइन एरिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना गैर कानूनी होता है। अरे तो फिर देवदर्शन बिल्डिंग को ये रीडेवलपमेंट की परमिशन मिली कैसे? क्योंकि वो फॉल्ट लाइन पर है ही नहीं। ये पेपर्स नकली हैं सर, हमारे पास पूरे शहर के फॉल्ट लाइन क्षेत्रों की लिस्ट रहती है और देवदर्शन उस लिस्ट पे नहीं है। सर बिल्डिंग तो ऑलरेडी रीडेवलपमेंट में जा चुकी थी, अब इस अशोक ने मेरे झूठे आईडी और पेपर्स दिखाकर इन लोगों को डराया होगा और उनसे पैसे ऐंठे होंगे। पर सवाल तो ये है, ये तो होटल में वेटर था ना, तो इसको ये सब टेक्निकल चीजों के बारे में कैसे पता चला होगा? हाँ सर कमाल है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। सर मुझे लगता है कि मुझे पता है उसे कैसे पता चला होगा। ये रेस्टोरेंट ऑफिस के एकदम पास में और हम लोग अक्सर हर दूसरे दिन यहाँ पर लंच करने जाते हैं। उसने कितने रुपए का ऑफर दिया है पता है आपको? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? लेकिन एक बात है, ये सिर्फ ऑर्डर नहीं है, पे ऑर्डर, लॉटरी का टिकट है, 1.5 करोड़ की लॉटरी। तो आप लोगों की बातें सुनकर इस अशोक को ये आइडिया आया होगा। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देवदर्शन बिल्डिंग के लोगों ने हमें पूरा सच क्यों नहीं बताया? अरे सोसाइटी की मीटिंग होती है, कोई एजेंडा होता है क्या? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अरे कैसे सॉल्व हो जाएगी महेश भाई, मैंने पहले भी कहा था इस पचड़े में मत पड़ो, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। एक तो वो सीएमसी ऑफिसर को हमने रिश्वत भी दे दी और अब उसका खून भी हो गया। बाप रे, कहीं इस चक्कर में हम सबको जेल हो गई तो? मैंने पहले कहा था ना, ये रीडेवलपमेंट का आइडिया आपका था ना महेश भाई। तो ये सब क्या मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा था? अरे उस टूटी फूटी बिल्डिंग की जगह अच्छी बिल्डिंग में अच्छे फ्लैट सबको मिलने वाले थे ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक वो महेंद्र आ गया फॉल्ट लाइन का ऑर्डर लेकर। और विशाल अंकल, पहले आपने कुछ भी कहा हो लेकिन बाद में आप भी मान गए थे ना, अब दूसरों पे दोष डाल के क्या फायदा? और अब किसको पता था कि ये मर्डर केस होने वाला है? हा? अब इस केस की छानबीन सीआईडी कर रही है, मैं तो कहता हूँ हम लोग सब उनसे मिलते हैं और जो भी सच है उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ख्याल अच्छा है मगर जरा देर से आया, क्या बात है? हमें देख के आप लोगों को कुछ खास खुशी नहीं हुई है? कोई कुछ बता रहा था सच बताने वाली बात, क्या है वो? देखिए पहले भी आप लोग चुप रह के अपनी काफी मुश्किलें बढ़ा चुके हैं, अभी भी वक्त है, सच क्या है बता दो। वो हमारे बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया था सर, हम लोग शिफ्ट भी हो चुके थे, बिल्डिंग का तोड़ने का काम भी शुरू हो गया, तभी वो सीएमसी ऑफिसर महेंद्र आ गया फॉल्ट लाइन के डॉक्यूमेंट्स लेके और कहने लगा कि अभी यार रिडेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सर अब आप ही बताइए हम क्या करते, हमारे तो घर भी टूट चुके थे। सर सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ, काम शुरू हो गया था, मैंने पैसे भी डाल दिए, फिर वही सुझाव लेकर आया कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो मैं चुप हो जाऊंगा। तो इसलिए उसे मार के उसकी लाश बिल्डिंग में छुपा दी? नहीं हमने नहीं मारा उसे, उल्टा हमने तो उसे 1 करोड़ दे दिए थे। क्या पैसे दे दिए थे? जी सोसाइटी के सब मेंबर्स ने 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दिए थे। कितने दिन पहले दिए थे पैसे? जी कल रात को दिए थे बिल्डिंग ब्लास्ट करने से पहले। कल रात को? कौन कौन गया था पैसे देने? जी मैं और नंदन गए थे। कहाँ पे गए? वो देवदर्शन बिल्डिंग सर। देवदर्शन बिल्डिंग? कितने बजे? यही 10-10:30 बजे। 10:30। 10:30 बजे देवदर्शन बिल्डिंग में ही उसकी मौत हुई है। तुम लोग वहां पे गए थे पैसे देने? देखिए हमने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ पैसे दिए और वापस चले आए। जब मार के पैसे लेके चले आए
सर ऐसा कुछ नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया है। कल रात जब आप वहां उससे मिले कोई और भी था वहां पर? महेंद्र जी अब तक आए नहीं। देखिए अभी तक आ जाना चाहिए था। हाँ वही तो, किसने छिका? कोई है क्या उधर? चल के देखे। अरे भाई बिना पैसे दिए कहाँ जा रहा है? अरे अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या है पैसे? हाँ हाँ पूरे 1 करोड़ रुपए है ना? पूरा 1 करोड़। अब कोई टेंशन नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है चल अब तुम निकलो। तो वहां पे कोई और भी था? सर पता नहीं, हम लोग तो वहां से निकल गए थे। तो एक मिनट, आपने बिल्ली की आवाज सुनी थी ना? पक्का हूं मेरी सुंदरी, मेरी सुंदरी। खैर आप लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। वो कोई सीएमसी ऑफिसर नहीं था बल्कि एक वेटर था अशोक, जो आप लोगों को महेंद्र बनकर धोखा दे रहा था। क्या? लेकिन वो आईडी, वो पेपर्स सब नकली थे। तो हमारे पैसे नहीं मिले, शायद कातिल ले गया। अशोक आप लोगों से होशियारी दिखा रहा था और आप में से कोई एक उससे भी ज्यादा होशियार निकला। वो कातिल आप में से कोई एक है, तो शायद इस वक्त यहीं पे मौजूद है। ये जितनी भी चीजें हैं ना बॉस, इनमें से किसी से भी अशोक की मौत नहीं हुई। इनफैक्ट किसी भी किस्म के हथियार से इसका खून हुआ ही नहीं। मतलब ये कि ये देखिए, ये टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े इसकी खोपड़ी की हड्डी पर से मिले हैं। और ये टुकड़े पत्थर के हैं सर। पत्थर के? यानी खून पत्थर से हुआ है। बॉस ये अशोक कहीं पर खड़ा होगा और खूनी ठीक इसके पीछे खड़ा होगा, और उसने भारी से पत्थर से इसकी खोपड़ी पर वार किया, इसकी खोपड़ी की हड्डी यहां से टूट गई और इसकी मौत हो गई। इसके पीठ पे निशान है, ये कैसे है? ये पीठ पर निशान जो है ये घसीटे जाने के, सीढ़ियों पर घसीटे जाने के। शायद ये कहीं ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा होगा। पहले खूनी ने पत्थर से इसका खून किया और फिर इसे घसीटते हुए सीढ़ियों पर से ऊपर लेकर के गया। बिल्डिंग के सभी लोग जानते थे कि महेश और नंदन इस अशोक से रात को बिल्डिंग में ही मिलने वाले थे, और ये भी जानते थे कि अशोक अकेले ही आने वाला था पैसे लेने के लिए, और ये भी जानते थे कि ये लोग बिल्डिंग तोड़ने वाले दूसरे दिन सुबह। खूनी बिल्डिंग की कमेटी मेंबर में से या फिर महेश और नंदन इनमें से कोई एक हो सकता है, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। सर ये बिल्डिंग वाले कौन कौन कहां थे सबके पास सबूत है। वैसे भी मर्डर प्लान करके किया है तो एलिबाई भी पहले से ही प्लान कर रखी होगी। एक बार वो पत्थर मिलना चाहिए जिससे खून हुआ है। वो पत्थर हाथ लगेगा ना तब मजा आएगी इन्वेस्टिगेशन में, मजा आएगा। सर उस बिल्डिंग में सिर्फ ईंटें और पत्थर ही है। हाँ पता है सर, इतने सारे पत्थरों में से एक पत्थर ढूंढना मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। पंकज ये मत भूलना कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, और सीआईडी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द कभी था नहीं और ना कभी आएगा, समझे? उस बिल्डिंग का एक एक पत्थर ढूंढो, चेक करो, देखो, लाओ उस पत्थर को। सर आगे सर क्या है? सर क्या जी, कोई सुराग मिला क्या? वही नहीं मिल रहा है सर। सर मेरी सुंदरी, मेरी बिल्ली कहीं खो गई है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चली गई। उसको मेरे सिवा कोई नहीं है सर। सर आप बड़े बड़े केसेस सुलझाते हैं, मेरी सुंदरी को ढूंढ के निकालेंगे? प्लीज प्लीज सर प्लीज। अरे यार हम सीआईडी वालों को कोई काम धंधा नहीं है, तुम्हारी बिल्ली ढूंढने जाके। चिंता मत करो, हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारी बिल्ली को। पंकज रेडी, अजय की बिल्ली ढूंढो। सर बिल्ली को ढूंढ? हाँ सिर्फ बिल्ली नहीं, वो पत्थर भी ढूंढ कर लाओ, जाओ जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो, वो बिल्ली नहीं सुंदरी है, मेरी सुंदरी। सर ये बिल्डिंग वाले अशोक को सीएमसी ऑफिसर समझ रहे थे, महेंद्र। फिर किसी ने उसका खून किया, उसकी लाश ठिकाने लगा दी, ये सोचे बिना कि एक सीएमसी ऑफिसर का गायब होना मामूली बात नहीं है।
इंक्वायरी बैठी तो सबसे पहले शक उन्हीं लोगों पे आएगा, क्योंकि मरने से पहले वो उन्हीं की बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो फिर कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा क्यों सीएमसी ऑफिसर को मारने का? अब इतना बड़ा रिस्क तो कोई वही लेगा जिसे ये पता था कि ये अशोक सीएमसी ऑफिसर नहीं कोई और है। एक वेटर। खूनी को अशोक की असलियत जानने के लिए पहले पता लगाना था असली महेंद्र का, असली महेंद्र का। याद करिए महेंद्र जी, कोई अजीब बात, कोई मिलने आया हो आपसे, कोई फोन आया आपको, कुछ भी? हाँ सर, एक फोन तो आया था। हेलो। हेलो महेंद्र जी। जी बोल रहा हूँ, आपसे मिलना था। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, आप आ जाइए। कौन बोल रहा? जी वो मिलने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऑफिस नहीं आ सकता सर, कहीं बाहर मिले। सर आपके ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहाँ मिल सकते हैं क्या सर? आप बोल कौन रहे हैं और आप ऑफिस में क्यों नहीं आ सकते? सर बात थोड़ी नाजुक है, ऑफिस में मिलना ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए सर प्लीज। ठीक है। कॉफी शॉप, क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे कुछ नहीं सर, मैं वहाँ गया, मैंने कुछ देर इंतजार किया, कोई आया नहीं तो मैं निकल गया वहाँ से। आया जरूर होगा, लेकिन असली महेंद्र जी को देख के सामने नहीं आया। कातिल वही है जिसने आपको फोन किया था, और हो सकता है कि आपने भी उसे देखा हो। इनमें से कौन आया था उस दिन कॉफी शॉप में? नहीं सर, ये जितने भी फोटोज आपने दिखाए इसमें से तो कोई भी नहीं था। महेंद्र जी, कातिल इन्हीं में से कोई है, इन्हीं में से। चलो ध्यान से याद करके बताइए। अच्छा चलता हूं। अरे सर ये आदमी, ये महेश। पूरा यकीन है यही आदमी था? जी सर, मुझे पक्का यकीन है यही था। कोई नहीं है।
महेश जी, महेश, महेश जी, महेश, क्या हुआ? पूर्वी, एम्बुलेंस, जल्दी। सर। महेश, किसने किया? हाँ, किसने मारा? हाँ, किसने मारा आपको? महेश। ओह नो। सर, सर एम्बुलेंस आ रही है। कोई फायदा नहीं है, पूर्वी। He's dead. सर, सर अभी तक हमें लगा था कि महेश खूनी है, लेकिन इनका ही खून हो गया। फिर खूनी है कौन? सुंदरी, पापा है। अरे रेडी सर, चार बार बिल्डिंग में ऊपर नीचे कर चुका हूँ, लेकिन कहाँ गया हूँ? तुम्हारी सुंदरी हमको मिली नहीं रही है यार। सर वो थोड़ी ना शर्मीली है, वो अजनबी लोगों के सामने नहीं आती। अरे तुम्हारी सुंदरी अजनबी लोगों के सामने नहीं आती तो फिर हमें क्यों बुलाया? अगर आप सीआईडी हो तो क्या हुआ? अरे आप लोगों ने हार मान ली तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और महेश और नंदन ने कहा था कि उसकी आवाज यही सुनी थी, मुझे यकीन है मेरी सुंदरी यही होगी। सुंदरी, कितना गंदा नाम है। बहुत अच्छा नाम है। अरे बहुत घटिया नाम है, मुझे नाम से सख्त नफरत है और ये काम से सख्त नफरत है। ये कर रहा था मैं सीआईडी में यार, बिल्ली टूटने आता मैं। पंकज, दिव्य पंकज, टाइम बड़ा खराब चल रहा है ना, ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते? आइडिया तो दो ना, ऐसे कैसे ढूंढ लेते? चूहा। चूहा? हाँ, मेरी सुंदरी को ना चूहे पकड़ने का बहुत ही बड़ा शौक है। चूहा दिखाने के ऐसे झपट पड़ती है। अब ये चूहा बीच में कहाँ से टपक पड़ा? आइडिया टपक पड़ा। आइडिया है? अरे रिएक्शन तो आइडिया है। आइडिया, आइडिया, आइडिया है। हाँ, क्या? ये क्या है? चूहा। इतना बड़ा? बिल्ली चाहिए ना? चाहिए, चाहिए। चूहा बनो ना। इसके साथ रह के चूहा बनना पड़ रहा है। बनो। हाँ। सुंदरी, देखो चूहा आया है। चूहा आया है, देखो सुंदरी। अरे बस कर यार। सुंदरी, सुंदरी। मेरा बच्चा पापा है। बच्चा मेरा। थैंक यू सीआईडी जी, मेरी सुंदरी मिल गई। अरे हाँ भाई जाओ, और इतना प्यार करते हो ना तो बिल्ली को संभाल के रखो। हाँ भाई, हाँ तो बिल्ली मिल गई, अपने पत्थर का क्या होगा? यार जो एसपी सर ने बोला था, लेकिन यह तो यहाँ वापस नहीं आना। पंकज, हमें पत्थर मिल गया। मिल गया? आओ, बिल्ली जाते जाते हमें पत्थर दे गई। कहाँ है? वो देखो, जिस पत्थर पे बिल्ली बैठी हुई थी उस पे खून लगा है। मतलब फ्रेडी सर दोनों ने मिलके मर्डर मैप पे ढूंढ लिया? अरे ये तो कमाल हो गया। ये इस पत्थर से खून हुआ है बॉस। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, पत्थर पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। क्या तारीख जी, आप भी ऐसे बोलेंगे तो क्या मतलब है? मतलब हम लोग खूनी तक ऐसे तो पहुंच ही नहीं सकते हैं फिर? मतलब सर हमारी पूरी मेहनत खराब हो गई, सारी रात ये सबूत ढूंढना और वो भी। नहीं नहीं पंकज, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, कुछ ना कुछ तो रंग लाती है। इस पत्थर पर से उंगलियों के निशान नहीं मिले, लेकिन फिर भी इस पर से बहुत कुछ मिला है। क्या मिला? इस पर से मिला है आंसू और नाक में से निकला हुआ म्यूकस, नाक का पानी। हाँ तो? लेकिन बॉस प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों से ही डीएनए नहीं हो सकता है। तो फिर सालू के साथ इससे साबित क्या होगा? बहती नाक, आंसू। ठीक, ठीक।
अभी तक आ जाना चाहिए था। वही तो। कोई है क्या उधर? नंदन और महेश ने बताया कि वहां पर कोई था उस रात जो चीख रहा था। मतलब खूनी को जुकाम था? लेकिन सर जब हम उन लोगों से मिले तो किसी को जुकाम नहीं हुआ था। सर जिस दिन खून हुआ था उस दिन सिर्फ अशोक और खूनी वहां पे थे और एक बिल्ली थी। काश बिल्लियां बोल पाती सर, हमारा केस ही सॉल्व हो जाता। बोलेगी अब वो बिल्ली बोलेगी। बिल्ली? बिल्ली बोल सकती है? हाँ, खोजी कुत्ते के बारे में तो सुना था पर खोजी बिल्ली? ये क्या मजाक है? एक बिल्ली एक कातिल के बारे में कैसे बता सकती है? बताएगी विशाल जी, बिल्ली बताएगी कातिल के बारे में। बस थोड़ा सा धीरज रखिए, सब बताएगी बिल्ली। ये है वो बिल्ली जो खूनी को पहचानती है। आप लोगों को एक काम करना है, बिल्ली की आंखों में आंखें डाल के देखना है और खूनी कौन है ये बिल्ली बता देगी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी, ये मजाक है क्या? मजाक? एक मिनट, जितना कहा है उतना करो, समझे? आप जाइए। और सर जैसा कह रहे हैं करिए। चलिए रेडी, कुछ बोल रही है कि बिल्ली ने कुछ कहा? नहीं सर। आप आइए। सर बिल्ली ने बोलना बंद कर दिया। आइए आप। आपकी बिल्ली है ना, जरा देखिए आपसे कुछ बोलती हो। बस एक विनती है सर, बिल्ली मत करो, तुम मेरी सुंदरी है, फिर बच्चे हो। प्लीज सही देखिए कुछ बोलती है क्या। सुंदरी पापा है। अभी अभी तरह लिया। चलो विशाल जी। हाँ अब आपकी बारा जी। क्या हुआ विशाल जी? बता दिया ना बिल्ली ने उन्हीं कौन है। उस रात तुम्हारे साथ यहाँ ये बिल्ली भी मौजूद थी। क्यों विशाल जी, आपको बिल्लियों से एलर्जी है हैं? और इसीलिए आपकी आंखों में से नाक में से पानी आता है जब बिल्ली आसपास हो तो। और उस रात भी वो बिल्ली वहां थी, वो सुंदरी इनकी, और इसीलिए आपकी आंख और नाक में से पानी आया और वही पानी आपके हाथों से उस पत्थर पर लगा जिस पत्थर से आपने अशोक को मारा। चीख भी आप ही की थी। आप तो विशाल जी बिल्ली ने तो बता दिया, अब आप बताओगे या हम लोग थोड़ी मेहनत करें? मैं घूस नहीं देना चाहता था लेकिन सब लोगों का मुझ पर दबाव था, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। इसके बाद भी मैंने महेश भाई से कहा कि एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं महेंद्र को, शायद वो पैसा कम कर दे। हमने महेंद्र को फोन लगाया, उसका फोन नहीं लगा। तो मैंने सीएमसी के ऑफिस में महेंद्र को फोन लगाया और रिक्वेस्ट की कि वो हमें कॉफी शॉप में मिले। मैंने और महेश भाई ने उसका इंतजार किया लेकिन महेंद्र नहीं आया। ये महेंद्र जी अब तक आए नहीं? बहुत देर कर दी।
एक मिनट विशाल जी, हेलो, हाँ क्या महेंद्र जी, आज इधर सीएमसी ऑफिस में काम नहीं है क्या? अरे काम तो बहुत है, किसी ने फोन करके यहाँ पर बुलाया मुझे मिलने के लिए, आधे घंटे से बैठा हूँ, आया नहीं, क्या करूँ। और उस दिन मेरी मुलाकात असली महेंद्र से हुई, मुझे लगा ये कोई खपला है, कुछ तो है ये। मैंने काम में उलझा के महेश भाई को वहां से भेज दिया। विशाल जी, महेंद्र जी अब तक आए नहीं? नहीं। तुम एक काम करो, तुम अपने बाकी के काम निपटाओ, सीएमसी ऑफिस में मैं चेक करता हूँ महेंद्र के बारे में। जी जाओ। ठीक है। और मैं सीएमसी ऑफिस क्रॉस चेक करने गया और वहां मुझे पता चला कि असली महेंद्र तो कोई और है। फिर मैंने नकली महेंद्र को फोन किया और उसे कॉफी शॉप में बुलाया। मिस्टर महेंद्र, 1 करोड़ की रकम बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे पूरा 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं रीडेवलपमेंट रोक दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सोसाइटी मेंबर से बात करता हूँ। ठीक है, आप बात कर लीजिए और जब भी आपका हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी। लेकिन मैंने उसका पीछा किया ये जानने के लिए कि आखिर ये है कौन, तो मुझे पता चला ये एक अशोक नाम का वेटर है जो हमें धोखा दे रहा है और हम सब धोखा खा रहे हैं। गुस्सा मुझे बहुत आया और उसके साथ में एक आइडिया भी, और मैंने प्लान बनाया। अरे भाई बिना पैसे दिए कहाँ जा रहा है? अरे अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे, लाए पैसे। आपको टेंशन नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अब तुम निकलो। आइए नंदन जी। तो सोचा सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अशोक को भी मार दिया और सारे पैसे भी हड़प लिए, महेश को भी मार दिया ताकि वो हमें कॉफी शॉप वाली बात ना बता सके। प्लान तो बड़ा अच्छा था विशाल जी, बड़ा अच्छा प्लान था, पर क्या करें, सुंदरी सुंदरी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.